हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंटू सिंह, मास वन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं टेंथ की क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिगोनोमेट्री। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ त्रिगोनोमेट्री की। क्या करता हूँ शुरुआत, तो आइए कुछ चीज़ें जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। किसकी? टेंथ क्लास की त्रिगोनोमेट्री। देखिए क्या होता है त्रिगोनोमेट्री। आपने देखा होगा जिंदगी में, जो भी बच्चा नहीं जानता है शुरुआत से बिल्कुल देखना, मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, छोटी से छोटी चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बताऊंगा, केवल इम्पोर्टेंट फार्मूले। ओके, कल इसके बाद रेगुलर कर देंगे। तो देखिए, आप पहले बात समझिएगा, मैंने क्या कहा कि आप हमेशा ज़िंदगी में जब त्रिगोनोमेट्री का नाम सुनिएगा तो 6 नंबर याद रखिएगा, 6 साइन याद रखिएगा। नहीं रखेंगे सर, कोई बात नहीं। आप ये समझ लो कि त्रिगोनोमेट्री केवल यदि आपको 6 पॉइंट याद हैं, लर्न है, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। वो कैसे? मैं तो 3 बोलता हूँ, लेकिन मैंने कह दिया चलो 6 हैं। तो आइए पहले वही देखते हैं होते कैसे। तो मैंने ये कहा आप केवल कुछ नहीं, केवल 3 चीज़ें याद कर लो। क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मैंने क्या कहा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इतना तो आप आसानी से लर्न कर सकते हो। बस आप अगर आपने ये लर्न कर लिए तो आप की त्रिगोनोमेट्री खत्म। वो कैसे सर? कुछ कोई टेंशन नहीं, मैं देखता हूँ बताता हूँ। देखिए, हमेशा जब भी आप याद रखना, तो ये जो साइन होते हैं तो ये उल्टे, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा विपरीत, अपोजिट क्या होता है। देखो, मैंने कहा साइन, तो आप कह सकते हो 1/cosec, कॉस, तो देखिए सेक पे आ गए तो सेक थीटा। ओके, मैंने कहा टेन, टेन का होता है 1/10 कॉट थीटा। कॉसेक, जब देखो साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो 1/sin थीटा। जब सेक कॉस का है तो कॉस का सेक का क्या हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ओके, अब आपने और चीज पढ़ी होगी, मान लो ये साइन की बात करेंगे, आप इसकी बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा हमेशा लाल बटे कका। लाल बटे कका का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। क्यों भाई, यही तो होता है। अब देखिएगा, अब आप क्या करेंगे, मैंने यहां साइड में लिख लिया लाल बटे कका, तो आप यहां से शुरुआत करो। क्या कर सकता है? साइन कॉस टेन। आप हमेशा याद करो साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट। तो हमने यहां से शुरुआत किया साइन कॉस टेन, अरे सर अब क्या होगा, कोई बात नहीं, 3 हो गए ना, तो आप पहले 3 का निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल पाओगे। तो मैं साइन का क्या लिखूंगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कॉस का या आधार बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब सर हमें तोप चलेगी, बड़ा टेंशन हो गई। क्या टेंशन यार, देखो कोई चीज पढ़ते बड़ा मस्त पढ़ते हैं। ओके, देखिए इतना लिख दिया ना, अब क्या है सर, अब कॉसेक का क्या होगा। अरे भैया, जब कॉसेक साइन का उल्टा है तो कॉसेक के भी लंब कर्ण कैसे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो इसको जस्ट क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी टाइम में सेक का कॉस का जो है उसका उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसी टाइम में टेन को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इतनी बात आपके क्लियर हुई, ये पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए। ठीक,
ये बात पहले समझ में आई आपको, ये चीज याद रखना कि साइन कॉस टेन कॉसेक से क्वाट, इसका उल्टा होता है साइन का कॉसेक और कॉस का सेक और टेन का क्वाट और उसके जस्ट विपरीत दोनों आपस में होते हैं। जब साइन लंब बटे कर्ण और कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार हो जाएगा तो इसके जस्ट जो होंगे तो विपरीत होते, तो विपरीत ही कर देंगे। देखो साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो इसको भी मैंने पलट दिया है तो क्या कर लिया है, कर्ण बटे लंब कर दिया है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। अब इसके आगे देखिएगा, जब मैंने इतना देख लिया, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आपको जो बेस चलेगा आपके टोटल त्रिकोणमित्रीय से खत्म है, मैं डेली डेली फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, एक ही दिन में करा रहा हूं। अब आइए फॉर्मूले और देखते हैं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है वन होता है, नहीं होता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है वन होता है। इसी टाइम में एक मिनट इंक डाल लें, इंक पड़ गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होता है। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं यहां करूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, नहीं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर सॉरी वन हो जाएगा। अब मैं यदि यही सूत्र निकालूंगा यानी कि सर कॉस्ट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे साइन उधर चला जाए, क्या आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी टाइम में यदि साइन का निकालेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं आपसे पूछूंगा आप बता देंगे ना कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। इसी टाइम में अगर सेक का पूछा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन इधर ले आइए क्योंकि इधर जाएंगे सिंबल बदल जाएंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी टेन का जब रखेंगे तो वन उधर चला जाएगा माइनस का, सेक स्क्वायर माइनस वन होगा, टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसी टाइम में इसमें देखिए अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक स्क्वायर थीटा की, तो वन प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। अगर मैं क्वाट की बात करूं क्वाट इधर वन इधर ले आए तो फाइनली क्या आ गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ये आपके रहे थ्री सूत्र से हम बना सकते हैं अनंत, मतलब दो दो और बना दिए, ओके थ्री फार्मूले थे उससे और बढ़ा दिए। तो आपके ये भी आता है, ये सब देखिएगा इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और आपके लिए क्या आता है और भी मैं देख रहा हूँ, अब मैं जब क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आप देखना ट्वेल्थ के टेंथ के क्लास के कैसे क्वेश्चन होते हैं त्रिगोनोमेट्री, देखते ही आंसर रखेंगे आप लोग। और देखिएगा आप और कुछ मत याद करिएगा, केवल और होते हैं कैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अब कॉस जब 90 माइनस थीटा आ जाएगा तो क्या रख देंगे साइन थीटा रख देंगे। बात आई समझ में, कॉस 90 माइनस थीटा सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और जब कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। इसी टाइम में कॉसेक का बना लो, कॉस देखो साइन कॉस का पेयर होता है कॉसेक सेक का होता है टेन क्वाट का होता है, ये भी देख लीजिए। तो क्या हो गया कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया सेक थीटा, और जब सेक 90 माइनस थीटा क्या करेंगे कॉसेक थीटा, ओके। इसी टाइम में टेन 90 माइनस थीटा क्या करेंगे टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या करेंगे टेन थीटा। ये आपके रहे, इसके अलावा आपके आप इसमें कुछ नहीं है और मैं सब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करा दूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये रहे आपके फार्मूले, कल मैं इसी के बेस पर क्वेश्चन लेके आऊंगा कि कैसे क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल।